जैसे ही मैंने यहाँ पे नेट की पिन खींची तभी एक यहाँ पे गाड़ी आई। अब देखो बूम, 1 7 2 नॉक। तो यार भाई लोग क्या हाल चले यार। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, एंड कैसी चल रही है आप लोग की दिवाली कमेंट करके ज़रूर से बता देना। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले पबजी मोबाइल में, बीजा में तो अपडेट नहीं आया, पबजी मोबाइल में जो न्यू मोड आया इतना मस्त मोड, हेलोवीन का मोड आया है। ये कुछ इस तरीके का मोड है जिसमें मतलब कि हमारी ना यादें ना हमारी बच सकती थी, लेकिन विजय में है नहीं इसलिए हमारी यादें उसमें मतलब खोई हो जाएगी। पता नहीं क्या ही हो जाता है मेरे को, कभी कभी कुछ भी बोलने लगता हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। कुल मिला के गेम प्ले आप लोग देखो, स्ट्रेंजर टाउन करके दो जगह होती है, जैसे कि हमारे अम्यूजमेंट पार्क होता था एनिवर्सरी में, यहाँ पर उतरते ही भाई यहाँ का जो माहौल हो जाता ना भाई कतई जहर। एंड उतरते ही भाई एक बंदे तो कर देता हूँ मैं नॉक। और हाँ, ये पूरा एरेंगल का फर्स्ट टाइम मैं गेम प्ले अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मैंने कैसे अपलोड किया। मेरे पास बहुत पुराना एक SD कार्ड पड़ा था, वो मैंने फ़ोन में ठूस दिया और उसमें सारा डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। तो कुल मिला के अभी फ़ोन में स्पेस है, अब स्पेस की कमी तो नहीं है लेकिन हो जाता है। जब भी रिकॉर्डिंग करते तो गेम लैग होती है भाई, क्या ही करें, हम तो आईफोन वाले हैं नहीं, एंड्रॉयड पर चलाना पड़ता है 6 GB रैम में, क्या ही करेंगे। कुल मिला के आप लोग सिर्फ यहाँ में देखो कि मैं कितने ज़्यादा नॉक्स करता हूँ एंड मेरे को कितने किल्स मिलते ये मैटर नहीं करता, मैं कितने ज़्यादा नॉक्स करता हूँ, यानी कि जितने ज़्यादा नॉक होगी उतने मेरे को किल मिलने, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को उतने किल मिलने चाहिए। कुल मिला के ये जो पपेट हम लोग बन सकते हैं, जो कुछ बन सकते हैं हम लोग, गुड़िया वुड़िया जो बोलते हैं एंडी की गुड़िया, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इससे जो छुप छुप के हम लोग जो फुटस्टेप बिल्कुल भी नहीं आते, अगर कोई सामने हमें देख नहीं रहा, अगर हम लोग चुपके से उसके पास जाएंगे ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आई थिंक सो मेरे 4 नॉक कर दिए थे अभी तक, एक भी फिनिश नहीं हुआ था। दुख की बात थी, मेरे अंदर ही अंदर लग रहा था कि नॉक ना हो जाऊँ। जो चीज़ मेरे को लग रही थी वही चीज़ हुई, यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा चिल्लाया था भाई, फ़ोन ऑलमोस्ट फूट जाता, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं फ़ोन नीचे फेंक देता था। अभी सामने जो दिख रहा है ना ये गुड़िया, ये मेरे को देख के हंस रही है, क्यों, क्योंकि इसके सामने मैं नॉक हुआ। और ये गुड़िया गुड़िया नहीं है, ये एक पैराशूट है जिससे हम लोग, पैराशूट बोल रहा हूँ क्या बोलते हो, हॉट एयर बलून है जिससे कि हम लोग पूरे मैप में घूम सकते हैं। ये ऐसा मैप नहीं है, मतलब ऐसा वाला बलून नहीं कि जिससे हम लोग घूम नहीं सकते। तो कुल मिला के हम लोग रिस्पॉन कार्ड वहाँ पे जाके मिल जाता है, रिस्पॉन हो गए और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर एक बंदा है, सच्ची में यहाँ पे एक बंदा था। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस बंदे का नाम देखो, समझ में तो नहीं आया लेकिन देखो, ये वही बंदा है जिसको मैंने सबसे पहले वहाँ पे मारा था स्ट्रेंजर टाउन में। और अब ये भी रिकॉल होके यहीं पे उतरा है और मैं भी रिकॉल होके यहीं पे उतरा हूँ। मैं किसके लिए उतरा था पता है, क्योंकि मेरे को लूट चाहिए थे, लूट लेके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और वो भी यही सोच रहे लूट लेके यहाँ से चला जाऊँगा। तो अब देखो ये क्रेट खोलने के बाद ना यहाँ पे जो होती है ना, आपको लूट भी मिल सकती है, अगर आपका लूट ख़राब हुआ तो आप लोगों को ये क्या बोलते हैं एक मॉन्स्टर टाइप आता है, और डीजा मॉन्स्टर है, कुछ खास तो डैमेज करता भी नहीं और ईजीली मर भी जाता है, और हाँ लूट भी देता नहीं है, तो मतलब बेकार सा है, मतलब ये जगह कुछ इतनी खासी खास तो है नहीं। कुल मिला के थोड़ी बहुत गन लूटने के लिए ठीक ठाक है, मतलब समझ जाओ। अब बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह की है, मस्त है भाई, एक नंबर मोड है। और हाँ, अरे ये तो बताना ही भूल गया मैं, कितने नो एबिलिटी है, तो उसमें से एक जो एबिलिटी है जो कि पैराशूट वाली लास्ट वाली जो एबिलिटी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो एबिलिटीज़ है सारी की सारी उनके ऊपर एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो आएगा। कुल मिला के ब्रिज क्रॉस करके अब मैं जा रहा था पोचिंग के रिकॉल डॉर पे, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है भाई, मेरे को दम लग रहा है, हाँ क्या ही कर सकते। अब देखो मैं आ गया पोचिंग के रिकॉल डॉर पे, अब यहाँ पे जो भसड़ मचने वाली है, जो होने वाला है ना, बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो भाई। आप लोग अभी ध्यान से पॉपकॉर्न लेके सब कुछ, पॉपकॉर्न मतलब साइड में बैठ जाओ, नहीं तो ध्यान से हेडफोन लगा के ध्यान से सिर्फ ध्यान से यहाँ से गेम पे देखो। ये थोड़ा 2 मिनट का पोर्शन अगर आप लोग देखोगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को करना ही करना है। कुल मिला के यहाँ पे मेरे को लगा एक बंदा है, तो मैंने इनकी पिन खींची, तभी एक गाड़ी आई एंड मैंने इनकी पिन कैंसिल कर दी, फिर से इनकी पिन खींची, यहाँ पे जो था वो बॉट था, ये गाड़ी यहाँ पर आई। आप देखो बूम भाई, 1 7 2 बंदों को मैंने नॉक कर दिया, एक भाई मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा भाई खुश भाई, एक नेड में 2 बंदों को, वो भी चलती गाड़ी से, मैंने रैंडमली नेड फेंका था, मेरे मन में भी कुछ भी नहीं था कि मेरे को किसी को नॉक करना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था भाई। इन दोनों को मार के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब तभी यहाँ पे मेरे को लगा एक बंदा फिर से आ गया, लेकिन ये तो था बॉट भाई, ये बॉट भी इतना ज़्यादा मतलब भाई डरा देते ना क्या ही बताऊँ।
अब देखो कुल मिला के अब मामला बिल्कुल साफ था, कुल मिला के यहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरे 5 किलो गए थे, अब इनको मैंने दबा के लूटा। बॉट का भी मेरे को ऑलमोस्ट किल मिल ही गया, और तभी मेरे को आया हल्के से फुटस्टेप। तो मैं यहाँ पे रुका, ये देखा, मेरे को लगा अरे ये तो कौन है, ये बॉट है, कहाँ से भागता हुआ आ रहा है। तो मेरे भागते हुए गया और इसके मेरे फुटस्टेप बढ़े और ये कुछ अलग ही तरीके से चल रहा था। मैंने मेरे को डाउट आया भाई, कलेजा मुंह में आ गया था, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को नहीं पता था ये रियल बंदा है, मैं बॉट समझ के आ रहा था। वो तो अच्छा कि मेरे हाथ में एक एम थी, और लकीली उसका आई थिंक से हेड चिपक गया। कुल मिला के आप देखो हीलिंग वीलिंग करके मैं निकल गया मेरे टीममेट्स के पास गाड़ी लेके। और तभी मैं जब यहाँ से जा रहा था तब मेरे को आई थिंक से फुटस्टेप आया ऐसा मेरे को लगा, लेकिन वे तो मेरा मतलब पता नहीं क्या ही हुआ, लेकिन फुटस्टेप नहीं आए थे। अब देखो मैं गया टीममेट्स के पास, और टीममेट के पास जाते ही वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे भसड़ मची हुई है। मेरे को मेरे किल्स जा रहे, मेरे सामने दिखाई दे रही है कि मेरे किल्स जा रहे। तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे को किसी ने फायर किया। अब मैं यहाँ पे रुका, जैसे मैं यहाँ पे रुका मेरे को सामने वाले बानाओं से फुटस्टेप आने स्टार्ट हो गए। तो मैं यहाँ पे रुका रहा, मैंने फुटस्टेप लिए, नेट से ला सकता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा भाई मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी एंगल नहीं मिल रहा था। तो कुल मिला के मेरे को पता था मेरे को नीचे जाके इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेड और अभी मॉल डालना पड़ेगा। तो मैंने नेड की पिन खींची, फिर से लगा दी, पता नहीं कैसे लेकिन फिर से लगा थी। तो उसके मेरे नेड के पिन खींचने का आवाज़ आया, तो मैं पीछे भगा, उसने नेड डाला, नेड भी फटा भाई, नेड मॉली सब कुछ डाल रहा था। और उसने नेड मॉली डालते ही मेरे पे रश कर दिया, उसको लगा कि मैं डैमेज हो जाऊंगा, लेकिन ना 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 भाई मैं डैमेज नहीं हुआ। मेरे को पता था वो कहाँ से आएगा, डोर से ही आएगा। तो मैंने नेड किया लिया, लेकिन नहीं, मैंने मॉली लिया, फिर से मॉली डाला और उसको चिपक भी गया, वो डैमेज भी हो गया। मेरे को पता था अब ये बंदा हीलिंग करेगा, और कहाँ पे ये आप लोग देखो कि वो जो डोर है ना वहीं पे हीलिंग करेगा। और मैं गया फ्री फायर देते हुए। अब देखो सबसे पहले कतई इजी किल भाई मेरे को, भाई मतलब गेम सेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परफेक्ट था। अब ये देखो ये क्या गिर रहा है भाई, पता नहीं ऊपर से गिर के सीधा फिनिश हो गया। ये आप लोग किल फिल पे देख सकते हो, पता नहीं कहाँ से क्या गिरा, टपक के मर गया। लेकिन ये मैं देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था वो। ये जो बिल्डिंग है ना भाई यहाँ पे आते मेरे को कतई हैरी पॉटर वाली वाइब्स आ रही थी भाई, फुल मतलब गूज़बम्स से आ गए थे अंदर यहाँ पे आते। मेरे को लगा था अभी सीढ़ियाँ अलग अलग होगी, और हुआ सीढ़ियाँ मेरे को दिखी नहीं कहाँ पर सीढ़ी, और इतना छोटी छोटी जगह है भाई क्या ही बोलूं भाई। मेरे को तो ये टावर बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत मस्त टावर है। और आप लोग इसका लुक देखो, डिज़ाइन देखो, सबसे पहले तो मेरे लगा ये क्या कहते हैं लिफ्ट है, लेकिन भाई इतने पुराने टावर में लिफ्ट कहाँ से आएगी। और हाँ जब मैं यहाँ पे टॉप पे गया तब मेरे को मैंने एक बात रियलाइज़ करी कि हमें तो जोन में जाना है, एंड जोन तो बहुत ज़्यादा दूर है, और जोन है मिलिट्री वाले आइलैंड पे। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो न्यू वाली एबिलिटी है जो मैंने चूज़ की है, हवा में उड़ने वाली। भाई क्या लगती है, कितना स्लो एंड मोस्ट, जब आप हेडफोन लगा के खेलते हो ना गेम, जब ये साउंड आता है ना जब उड़ता है भाई चुम्मा यार भाई, बहुत मस्त अपडेट आया है। क्यों नहीं आया अभी जय में, क्यों पता नहीं, ये पबजी मोबाइल क्या रहे भाई दबे। अब देखो ब्रिज से जा रहा था, अब यहाँ से शुरू होगी डू और डाई की सिचुएशन। कुल मिला के मेरे को लगा बीच पे बंदे, तो मैं यहाँ पे पहाड़ी पे रुक के इन लोगों को स्प्रे मार के मारूंगा, लेकिन मैं गलत था। यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्क्वाड है जिनके पास MG3 सारे ड्रॉप वेपन्स एंड भाई स्प्रे जो मार रहे थे, और मैं थोड़ा सा रह गया, नहीं तो मैं कवर में पहुँच जाता। लेकिन भाई मैं सारी उम्मीद खो बैठा था, यहाँ पे मैं नॉक हो गया, एंड मेरे को लगा कि भाई 4 नंबर भी बचा सकता है तो बचा ले, नहीं तो नहीं। उसके पास भी कार नहीं थी, 1 नंबर भी बहुत दूर था, मेरे को लगा गेम प्ले गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लकीली 4 नंबर नॉक हो गया, लकीली तो नहीं बोल सकते, लेकिन 4 नंबर नॉक हो गया। एंड हाँ तभी 1 नंबर कार लेके मेरे पास आ रहा था भाई, मेरे जो दिल मतलब क्या बोलते हैं जान में जान आई भाई, मैं बड़ा खुश। आते ही उसने ए हमारे से एक बंदे को चिपका डाला, नॉक कर डाला। अब देखो इसने मेरे को रिवाइव करा, और जब भी रिवाइव करा था मेरी फट रही थी क्योंकि फांसे जा रही थी, फुल कच्चा कच भरी हुई पूरी 4 के 4 बंदों की स्क्वाड, 4 या फिर 3 थे। अब देखो मैंने यहाँ पे रिवाइव हो गया, हीलिंग की, अब हीलिंग मैंने यहाँ पे कैंसिल की। अब यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, हीलिंग कैंसिल की। अब देखो क्यों, आप लोग आगे देखो। अब मैंने सारे जितने भी मेरे पास बूस्टर थे वो मैं बूस्टर ले रहा था। अब मैं यहाँ पे जा रहे थे हम लोग, अब पता नहीं ये मेरे को क्यों वहाँ पे ले रहा था, और यहाँ पे तीनों के तीनों बंदे। अब एक बंदा एक साइकिल भी था, और लकीली मैंने इसको नॉक कर दिया, और
ये कहाँ रोकता है, कवर में थोड़ा अगर आगे लेता ना यहाँ पे मैं नॉक नहीं होता, लेकिन टीममेट्स का कवर, रैंडम टीममेट्स, कोई भी बातचीत नहीं, माइक विक ऑफ, फिर भी इतना मस्त कवर किया उसने, मेरा नॉक को फिनिश किया, मेरा क्या बोलते किल सिक्योर किया। लेकिन भाई थोड़ा सा सीन हो गया, उनके पास थी हाइट एडवांटेज, यानी इस चक्कर में हम, इस फाइट के चक्कर में हम लोग ये भूल गए कि हमें जोन में जाना है, उनके पास हाइट है, कितने बंदे हैं सामने, 3 है, हमारा एक नॉक था, मतलब यानी कि मैं नॉक था, कुल मिला के सब लोग, मतलब सिचुएशन हमारे हाथ में थे ही नहीं, कुछ भी नहीं थे हमारे हाथ में सिचुएशन। अब देखो कुल कैसे वैसे करके मैं यहाँ पे रिवाइव हो गया हीलिंग की, अब यहाँ पे मैं देख रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग रोटेशन देके उनको इजीली मार सकते थे, लेकिन एक नंबर और दो नंबर आगे चले गए, दो नंबर तो थोड़ा पीछे था, लेकिन एक नंबर रश करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आगे चले गया, लेकिन भाई क्या ही कर सकते, नॉक तो वो होना ही था, क्योंकि 3 बंदों के सामने वो क्या ही कर सकता, तो उसको दूसरे बंदे ने किसी ने नॉक किया, दो नंबर ने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन भाई वो भी नहीं बच पाया, तो मैं क्या ही बचूंगा भाई, मैंने स्पॉइलर दे दिया क्या, अब चलो जाने दो भाई, जो होना था वो हो गया, मेरे को रिस्पॉन्ड करने का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन बहुत ही मस्त गेम प्ले हुआ, जो ग्रेनेड के किल्स आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। आई नो ये वाला वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है, मेरे को भी लग रहा है, लेकिन भाई मेहनत तो बहुत करता हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़।